नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे दलहनी फसलों में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में। कौन कौन सी कीट दलहनी फसलों में आक्रमण करती है, तो आइए जानते हैं दलहनी फसलों में आक्रमण करने वाली प्रमुख कीटों में से हेलिकोबर्मा आर्मीजेरा के बारे में, जिसे ग्राम पोड बोरर भी कहा जाता है, तथा स्पॉटेड पोड बोरर के बारे में एवं स्पाइनी पोड बोरर के बारे में भी जानते हैं। आइए तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राम पोड बोरर के बारे में। तो ग्राम पोड बोरर का साइंटिफिक नेम हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा है, जिसकी ऑर्डर लेपिडोप्टेरा और फैमिली नॉक्टुडी है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड होता है और ये फोलिफेगस पेस्ट है। इसका आक्रमण बहुत सारे फसलों में होता है, चाहे वो मेज हो, वीट हो, या फिर वेजिटेबल्स क्रॉप हो, उसमें भी आक्रमण होता है। तो अब आइए जानते हैं इसके बायोनॉमिक्स के बारे में, इसके डैमेजिंग सिम्टम के बारे में। तो आइए जानते हैं। अब इसका जो मौत होता है वो येलोइस ब्राउन कलर का होता है, तो आप पिक्चर में देख सकते हैं येलोइस ब्राउन कलर का मौत है। और जो देयर इज अ डार्क स्पेक, मतलब डार्क धब्बा होता है और डार्क एरिया होता है नियर द आउटर मार्जिन ऑफ ईच फॉर्मिंग, जो प्रत्येक फॉर्मिंग होता है उसके आउटर मार्जिन के सामने डार्क धब्बा प्रेजेंट होता है। अब जो कैटरपिलर होता है वो ग्रीनिश कलर का होता है, जिसमें डार्क ब्रोकन ग्रे लाइंस प्रेजेंट होते हैं एलोंग द साइड ऑफ द बॉडी। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह एलोंग द साइड ऑफ द बॉडी ग्रे लाइंस प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे कि जो फीमेल जो है वो एग ले करती है, कहाँ एग ले करती है, जो टेंडर पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, मतलब जो कोमल पार्ट है प्लांट्स के, वहाँ एग ले करती है। और एग का कलर कैसा होता है, तो एग का कलर ग्रीनिश येलो और राउंड कलर का होता है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ग्रीनिश येलो और राउंड कलर का एग होता है। अब एक फीमेल कितना एग ले कर सकती है, तो उसका फेकंडिटी 741 eggs in 4 days है। तो अब हम जानेंगे कि जो एग है वो कितने दिन में हैच करती है। तो एग का हैचिंग 2 से 6 दिन में होता है, और एग हैच करने के बाद जो लार्वा निकलती है वो लार्वा पोड टू पोड मूव करती है, उसके बाद वो फुल ग्रो हो जाती है 13 से 19 दिन के अंदर, मतलब लार्वल पीरियड 13 से 19 दिन का होता है। अब जो फुल ग्रोन लार्वा होता है वो फिर पोड से बाहर निकलती है, और बाहर निकलने के बाद उसका प्यूपेशन होता है सॉयल में। तो जो प्यूपेशन होता है वो सॉयल में होता है। अब प्यूपा किस कलर का होता है, प्यूपा डार्क ब्राउन कलर का होता है। तो इसी तरह जो एक्टिव सीजन में प्यूपल पीरियड 8 से 15 दिन का होता है, और एक साल में हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा की 8 जनरेशन होती है। तो इसी इस तरह हम कह सकते हैं कि हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा का एक साल में 8 जनरेशन कंप्लीट हो सकता है। तो इसलिए मल्टी वोल्टाइन पेस्ट है, मतलब स्पीसीज है, मतलब एक साल में एक से ज़्यादा जनरेशन कंप्लीट कर रही है। अब इसका डैमेजिंग सिम्टम है क्या है, तो आइए जानते हैं। तो कैटरपिलर क्या करता है, वो फॉलेज पे फीड करता है, जो भी पत्ते हैं उस पार्ट पे फीड करता है। फिर उसके बाद फीड करने के बाद में क्या करता है, जब पोड फॉर्मेशन स्टेज आता है, तो पोड फॉर्मेशन स्टेज के दौरान वो उस पर छिद्र बनाता है, होल बनाता है, और बोर करने के बाद अंदर घुसता है। एंटर करने के बाद वो जो भी सीड्स फॉर्म हो रही होती है उस सीड्स पे फीड करता है। फिर जब फीड करता है तो उसमें एक देखा गया हैबिट देखा गया है, तो जो उसका हेड पार्ट होता है तो वो हेड को वो थ्रस्ट कर देता है, या फिर पोड में या फिर फ्रूट में जो हेड पार्ट वो अंदर घुसा हुआ रहता है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट होता है वो बाहर लटका हुआ होता है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कॉटन में किस तरह अटैक हुआ है, और जो हेड का पार्ट है वो अंदर एंटर किया हुआ है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बाहर लटका हुआ है। अब जो क्या होता है कि जो होल्स बनाने के कारण पोर्स में जो होल बनता है उससे क्या होता है कि सीड फॉर्मेशन नहीं होता है, और फिर कभी कभी अर्ली स्टेज में डिफोलिएशन होता है। तो ये क्या होता है कि सिम्टम है कि हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा का अटैक हुआ है, उसके लक्षण है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बहुत सारी स्पीसीज क्रॉप में हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा का अटैक हुआ है। आप देख सकते हैं सबसे पहले पिक्चर में है उड़द के फसल पे ब्लैक ग्राम की फसल पे ग्राम पोड बोरर का अटैक हुआ है, फिर अरहर की फसल पे अटैक हुआ है, फिर मिर्च पे अटैक हुआ है, फिर टमाटर पे भी आप देख सकते हैं, टोमेटो फ्रूट बोरर जिसे कहा जाता है, फिर आप लेडीज फिंगर भिंडी पे भी देख सकते हैं, और फिर कॉटन पे भी अटैक हुआ है। इस तरह से ये पॉलीफेगस पेस्ट है हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा, बहुत सारे फसलों में इसका आक्रमण होता है। हम लोगों ने वीट की वीडियो में भी देखा था कि इस वीट पे भी अटैक होता है।
तो अब हम जानेंगे स्पॉटेड पॉड बोरर के बारे में। तो स्पॉटेड पॉड बोरर का साइंटिफिक नेम, तो आइए जानते हैं स्पॉटेड पॉड बोरर के बारे में। तो स्पॉटेड पॉड बोरर का साइंटिफिक नेम मेरिकार्टेस्टू ललिस है, और उसका ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है, और फैमिली पायरेलिडी है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, तो इसका वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में वर्ल्ड के, और ये भी पॉलीफेगस पेस्ट है। अब इस पेस्ट की पहचान कैसे कर सकते हैं, तो ये पेस्ट क्या होता है कि ये भी डार्क ब्राउन कलर का ही होता है, इसका फॉर्मिंग डार्क ब्राउन कलर का होता है, लेकिन इसके बैंड में इसके जो फॉर्मिंग में व्हाइट कलर के बैंड प्रेजेंट होते हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में। इसी तरह जो लार्वा होता है वो ग्रीन कलर का होता है विथ ब्राउन हेड, जो उसका हेड होता है वो ब्राउन कलर का होता है, उसमें शॉर्ट डार्क हेयर प्रेजेंट होते हैं और ब्लैक क्वार्ट्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी पे। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ब्राउन कलर का हेड प्रेजेंट है और पूरे बॉडी पे ब्लैक वाट ब्लैक धब्बे प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम इसके लार्वा की पहचान कर सकते हैं। अब जो फीमेल क्या करती है, वो सिंगली ये ले करती है फ्लावर्स पे, बर्ड पे, पॉड पे, और जो एक हैच करने के बाद वो बोर करती है पॉड्स पे, बर्ड्स पे और सीड्स पे फीड करती है जो भी लार्वा है। और जो फुल ग्रोन लार्वा है वो 20 मिलीमीटर इन लेंथ होता है, और प्यूपेशन कहाँ होता है, तो प्यूपेशन ड्राई लिप्स पे होता है और डेब्रिस पे होता है। तो आप यहाँ ये जो पिक्चर ये देख रहे हैं, ये स्पॉटेड पॉड बोरर का एक का पिक्चर है। अब हम जानेंगे इसका डैमेजिंग सिम्टम क्या है। तो हम लोगों ने जाना कि लार्वा क्या करती है, होल बनाती है बर्ड्स पे, फ्लावर्स पे, पॉड्स पे, उससे क्या होता है कि फिर जो वो उस पर फीड करती है, और जो भी इन्फेस्टेड पॉड होता है या फ्लावर होता है वो एक दूसरे पे वेब बनाते हैं, मतलब वो उसके जाल की तरह उसे वेविंग कर देती है, बांध देती है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से वेविंग की हुई है। तो अब हम देखेंगे कि जो भी डैमेज होता है पिजन पी में देखा गया है 5 से 20% पॉड का डैमेज होता है स्पॉटेड पॉड बोरर के कारण, अकॉर्डिंग टू लोकेलिटी, अकॉर्डिंग टू मंथ और अकॉर्डिंग टू वेराइटी। तो अब आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह स्पॉटेड पॉड बोरर का अटैक हुआ है लिप्स पे, ये आप देख सकते हैं पॉड पे, और ये है अरहर के पौधे पे किस तरह स्पॉटेड पॉड बोरर का अटैक हुआ, ये लार्वा है स्पॉटेड पॉड और ये अरहर का पॉड है। अब हम जानेंगे स्पाइनी पॉड बोरर के बारे में, तो चलिए जानते हैं स्पाइनी पॉड बोरर के बारे में। तो स्पाइनी पॉड बोरर, जिसे लेंटिल पॉड बोरर भी कहा जाता है, का साइंटिफिक नेम एटियाला जिंकनेला है, और इसका ऑर्डर भी लेपिडोप्टेरा, और इसकी फैमिली है फाइसिटिडी, और ये भी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है और सीरियस पेस्ट है लेंटिल और हरे मटर में उत्तरी भारत में। अब इसका होस्टेंस क्या है, तो जो भी सारी लेगुमिनस क्रॉप हैं उनमें इसका होस्टेंस, ये सारी लेगुमिनस क्रॉप में ये लगती हैं। अब इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, जो कैटरपिलर होता है वो टाइनी ग्रीनिश कलर का होता है, और वो एंटर करता है पोर्स पे और पूरा यंग ग्रेन्स पे फीड करता है, और फुल ग्रोन लार्वा क्या होता है रोजी विथ पर्पलिश टिंच कलर का होता है, और मौत क्या होता है वो ग्रे कलर का होता है, और उसका विंग एक्सपेंस 25 मिलीमीटर का होता है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ग्रे कलर का है, इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इसका लाइफ साइकिल क्या है। तो मौत इमर्ज करता है फरवरी और मार्च में, और वो क्या होता है नॉक्टर्नल होता है, जो रात में एक्टिव होती है। अब जो एग ले होता है वो सिंगली भी होता है या फिर क्लस्टर में भी एग ले होता है। अब जो एग हैच होता है वो 4 से 21 दिन में एग हैच होता है। फिर न्यूली इमर्ज लार्वा क्या करता है, वो फ्लोरल पार्ट पे फिट करता है सब, और उसके बाद धीरे धीरे पोड पे वो बोर करता है, और उसके बाद फिर सीड्स पे फिट करने लगता है। लार्वल स्टेज 19 से 40 दिन में कंप्लीट होता है। उसके बाद जो प्यूपेशन होता है वो सोयल में होता है 2 से 4 सेंटीमीटर डेप्थ में, और प्यूपल डेवलपमेंट लगभग 12 से 18 दिन में कंप्लीट होता है। और जो पेस्ट ब्रीड पूरे थ्रू आउट द ईयर में पेस्ट ब्रीड करती है और 5 जनरेशन कंप्लीट करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये भी मल्टी वोल्टाइन स्पीसीज है। अब डैमेजिंग सिम्टम हम लोगों ने जाना कि ये ग्रीन पॉड्स पे फीड करती है, बोर करती है, और उसके बाद ये भी वेविंग करती है पॉड्स के को टुगेदर वेविंग करती है ये भी। तो हम लोगों ने देखा स्पॉटेड पॉड बोरर भी वेविंग करती है और स्पाइनी पॉड बोरर भी वेविंग करती है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है। एडल्ट एग लेकी, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट। अब यहाँ आप डैमेजिंग सिम्टम देख सकते हैं, ये डैमेज किस तरह से की है, देख सकते हैं कि आप टाइनी ग्रीनिश कलर का लार्वा है।
और ये पोर्ट पे फिट किए हुए हैं। अब हम इसका मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ जाना, किसके किसके बारे में जाना, ग्राम पोर्ट बोरर के बारे में जाना हम लोगों ने, फिर जाना स्पॉटेड पोर्ट बोरर के बारे में जाना, अब हम लोगों ने जाना स्पाइनी पोर्ट बोरर के बारे में। अब तीनों का मैनेजमेंट हम किस तरह से करेंगे तो आइए जानते हैं, क्योंकि प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये तीनों पोर्ट बोरर बहुत ही उपज में कमी लाती है दलहनी फसलों की। तो हम लोग पहला कर सकते हैं कि रेजिस्टेंट वेराइटीज़ का उपयोग कर सकते हैं, दूसरा क्लीन कल्टीवेशन क्योंकि प्रिपेशन प्लांट डेब्रिस में भी हो रहा था, तीसरा हम लोग समर प्लाविंग कर सकते हैं क्योंकि समर प्लाविंग क्योंकि प्यूपेशन सोयल में हो रहा है, सोयल डेप्थ में, तो समर प्लाविंग से क्या होगा कि जो प्यूपा होंगी वो एक्सपोज करेंगी समर हीट में, या फिर जो प्रीडेटर होंगी वो फीड करेंगी। हम लोग बर्ड पच बना सकते हैं, 50 बर्ड पच हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं फील्ड पे प्रति हेक्टेयर। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, लाइट ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि नॉकटर्नल है, तो जिससे क्या होता है कि हम लोग जो भी अट्रैक्ट होंगे लाइट से और वो किल हो जाएंगे मौत। फिर फेरोमोन ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं, 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर। फिर हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम लोग ट्राइकोग्रामा स्पीसीज का यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक एक पारासाइट, फिर एक लार्वल पारासाइटोड का जैसे चेलोनस ब्लैकवर्नी का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। फिर न्यूक्लियर पोलीहेड्रोसिस वायरस का भी उपयोग कर सकते हैं, एनपीवी का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि एनपीवी के कारण वो एनपीवी से क्या होती है, जो भी बोरर होती है या लार्वा होती है वो या इंसेक्ट होती वो इन्फेक्ट हो जाती है और वो मर जाती है। अब हम लोग बोटनिकल कंट्रोल में अगर देखें तो नीम सीड कंट्रोल एक्सट्रैक्ट का उपयोग कर सकते हैं, 5% 31 kg प्रति हेक्टेयर 2 बार हम लोग उपयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग इंसेक्टिसाइड का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं ग्राम पोर्ट बोरर का, स्पॉटेड पोर्ट बोरर का और स्पाइनी पोर्ट बोरर का। तो हम लोगों ने इस वीडियो में जाना ग्राम पोर्ट बोरर के बारे में, उसका डैमेजिंग सिम्टम क्या है, उसका मैंने और उसका लाइफ साइकिल क्या है, उसी तरह हम लोगों ने स्पॉटेड पोर्ट बोरर के बारे में जाना एवं स्पाइनी पोर्ट बोरर के बारे में जाना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे नई पेस्ट के बारे में और नई जानकारियों के साथ आएंगे। धन्यवाद।